दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात मित्तल। एक बहुत अच्छी कहावत है हमारे इंडिया में, वेल्थ गोन नथिंग गोन, हेल्थ गोन समथिंग गोन, करेक्टर गोन एवरीथिंग गोन। देखिए, वेल्थ अगर इंसान से चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसे फिर से कमाया जा सकता है। और वेल्थ जाने के रीज़न अलग अलग होते हैं। कोई अपनी बनी बनाई वेल्थ को किसी ऐब में उड़ा देता है, और कभी कोई बनी बनाई वेल्थ किसी मजबूरी में, किसी बीमारी में रातों रात ख़त्म हो जाती है। और कई बार बनी बनाई सारी प्रॉपर्टीज़ किसी कर्ज को उतारने में चली जाती है। तो एक हमारे बहुत अच्छे लीडर नियाज अहमद जी कहते हैं, अमीर बनना और अमीर बने रहने में बहुत बड़ा अंतर है। तो आप अगर चाहते हो कि वेल्थ आपसे रुट के ना जाए, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में एक मजबूत नेटवर्क बना के अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लेनी चाहिए। हेल्थ का जाना एक चिंतनीय विषय ज़रूर है, क्योंकि हेल्थ को कवर करना सबसे मुश्किल काम है। इसलिए हेल्थ भी आप रेगुलर अपडेट कर सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं अपने एमवे के प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है करैक्टर, चरित्र। यहाँ पर जुबान का सच्चा, लंगोट का पक्का होना बहुत ज़रूरी है। और ये चिंता हमें खुद से अपने लिए भी रहती है और अपने बच्चों के लिए भी रहती है। यहाँ पर सोचने वाली बात सबसे ज़्यादा ये है कि हम अच्छे संस्कार कुछ तो फैमिली से पाते हैं, कुछ हमें ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम से विरासत में मिलते हैं। मैं एक बात एग्जाम्पल से कहना चाहूँगा, अगर किसी की 3 पीढ़ियों में लगातार टीबी की बीमारी है, तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम नेक्स्ट पीढ़ी में जा सकती है। इसी तरह अगर कोई फैमिली के मेंबर्स लगातार जुआ, नशा या कोई चरित्रहीनता का कार्य करते हैं, तो ये भी जेनेटिक जा सकती है। एक बहुत गंभीर नशा करने वाला व्यक्ति ये कल्पना करके नहीं रह सकता कि मेरे बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं होगी। वाइस वर्सा एक चीज़ हो सकती है कि जो बहुत नशा करने वाला व्यक्ति है, उसके बच्चे की अगर संगति सही हो गई तो वो नशा नहीं करेगा, और जिस व्यक्ति ने कभी नशा नहीं किया उसके बच्चे की संगति गलत हो गई, वो नशा कर सकता है। लेकिन अपना चरित्र पहले हमें खुद सही करना पड़ेगा, अपना करैक्टर हमें खुद सही करना पड़ेगा। करैक्टर में 3 चीज़ें पहले महत्वपूर्ण आती है। एक तो अकाउंटेबिलिटी, आपकी ज़ुबान, आपने जो कहा आप उस पर खरे उतरने चाहिए। दूसरी बात आती है पैसों के लिए भी ईमानदारी होनी चाहिए, और फिर आप कभी भी किसी भी मुद्दे पे बहकने नहीं चाहिए। यदि चरित्र मजबूत होगा तो किसी भी तरह का गलती होने का चांस नहीं रहेगा। और हम भी ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे संस्कारिक बने, और हमें उनकी इस तरह की चिंता ना हो कि कल उनके साथ कुछ गलत हो या वो किसी के साथ कुछ गलत करें। इसके लिए संस्कार बढ़िया देने के लिए आपको उनको रेगुलर ब्रिट वर्ल्ड वाइड की मीटिंग से जोड़ना होगा, बुक से जोड़ना होगा, सीडी से जोड़ना होगा, ताकि उनको संस्कार मिले। जिस तरह लोगों को मालूम है कि नेटवर्क मार्केटिंग की छतरी में कभी भी किसी बहू, बेटी, बहन के साथ गलत नहीं हो सकता, ये विश्वास तभी होगा जब आप अपने आप को बहुत बेहतरीन चरित्रवान इंसान साबित कर देंगे। होता क्या है कि हमने बड़े बड़े लीडर को कामयाबी के शिखर पे, अरश पे पहुंचने के बाद फर्श पर गिरते देखा है, जब उसका ये लास्ट पॉइंट वीक होता है, वो चरित्र का मजबूत नहीं होता। रोमांटिक होना अलग चीज़ है, और मजाक करके बात कहना अलग चीज़ है, और बुरी नज़र या भेड़िए की नज़र रखना
या किसी पर कुदृष्टि रखना ये अलग चीज़ है। तो समाज की फैली हुई गंदगी में, एक गंदी सोच में और एक एमवे के साफ सुथरे लीडर में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि ये बिज़नेस फैमिली का है, क्योंकि यहाँ पर हमें फैमिली के यहाँ पर जाना होता है और बहुत सारी फैमिलीज हमारे यहाँ आती है, तो यहाँ पर चरित्र का बहुत महत्वपूर्ण रोल दिया है। और अगर आपने एमवे के एथिक्स पढ़े हैं, उसमें नो टॉलरेंट पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी तरह की चरित्रहीनता की शिकायत होने पर एमवे भी कभी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करती। तो यहाँ पर अगर आप बहुत आगे जाना चाहते हो, बहुत बड़ी सफलता पाना चाहते हो, वैसे तो किसी भी फील्ड में चरित्र के बिना आदमी बड़ा बन ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बिना चरित्र के कोई भी इंसान छोटी मोटी कामयाबी हासिल कर सकता है, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। तो सबसे ज़्यादा पॉइंट हमने, सबसे ज़्यादा बात हमने चरित्र पे की है, और जिसका चरित्र अच्छा उसका बिजनेस अच्छा। थैंक यू वेरी मच।